भोजपुरी फिल्मों के पॉपुलर एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का नाता आजकल मुश्किलों से जुड़ता दिख रहा है। हाल ही में खेसारी के खिलाफ महिलाओं के प्रति अश्लील कंटेंट वाले गाने बनाने के लिए मामला भी दर्ज किया गया है। सनातन सेवा फाउंडेशन ने एक्टर और सिंगर के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है। ऐसे में यकीनन किसी का भी हौसला डिग जाता है। जाहिर है कुछ ऐसा ही हाल खेसारी का भी हुआ होगा, लेकिन एक वजह है जिसके कारण खेसारी अब तक मजबूती से खड़े हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। क्या है वो वजह, क्या सुनना नहीं चाहेंगे आप? तो बता दें कि खेसारी ने अब तक जितनी मुसीबतों का सामना किया और वो इनसे डटकर बाहर निकल पाए, उसकी वजह है उनकी पत्नी। जी हाँ, खेसारी की फिल्मों के बारे में तो लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनके परिवार, खासकर उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। और जाहिर है अगर आप खेसारी के फैन हैं तो आपके मन में भी उनकी पत्नी को लेकर कई सवाल होंगे कि उनकी पत्नी कौन है, उनका नाम क्या है, वो क्या करती हैं। वैसे बता दें कि भले खेसारी की पत्नी लैमलाइट से दूर रहती हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में वो किसी हीरोइन से कम नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले 2006 में खेसारी ने चंदा देवी के संग 7 फेरे ले लिए थे। शादी के बाद खेसारी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले तक कई सालों तक पत्नी के साथ दिल्ली में रहे। यहाँ एक्टर ने कई तकलीफें देखी, लेकिन इन तकलीफों में भी पत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब जब खेसारी को किस्मत ने पलटी मारी, तब तब उनकी हिम्मत बनकर उनकी पत्नी ने उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। यही वजह है कि खेसारी अपनी पत्नी को ही अपना लकी चार्म मानते हैं, और इस बात का जिक्र वो कई इंटरव्यूज में भी कर चुके हैं। खेसारी ने एक इंटरव्यू में कहा था, शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे ससुर ने बेटी की शादी के लिए अपनी भैंसों तक को बेच दिया था। ये सब हुआ मेरे स्टार बनने से पहले, लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी किस्मत ही बदल गई। किसी ने सही कहा है कि एक औरत ना सिर्फ घर की लक्ष्मी होती है, बल्कि वो जिंदगी के साथ साथ एक आदमी की किस्मत तक बदल डालती है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी की सबसे ज्यादा डिमांड है। 2011 में आई पहली फिल्म साजन चले ससुराल के लिए जिस खेसारी को सिर्फ मात्र 11,000 रुपए मिले थे, वही खेसारी आज एक फिल्म के लिए 40 लाख रुपए की मोटी रकम चार्ज करते हैं। फिलहाल खेसारी पर जो मुसीबतें इस समय घेरा डाले बैठी हैं, उनसे खेसारी अपने लकी चार्म का साथ पाकर निकल पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।